राम राम दोस्तों, मैं कटरा बस स्टैंड में खड़ा हूँ और मुझे ना रोना आ गया यहाँ पे देख के। भैया क्या हालात बना रखे हैं आप बस स्टैंड के। आप देखेंगे मेरे पीछे का कचरा, ये किस तरह से कचरा बिखरा हुआ है भाई जान। ये रोड देखेंगे बस स्टैंड नीचे, नहीं लुक बढ़िया, नहीं कुछ पड़ा हुआ, खड्डे खड्डे यहाँ पे, बजरी बजरी। और बस स्टैंड का इतना बुरा हाल है ना, कटरा बस स्टैंड का, जहाँ पे ना पूरे इंडिया के लोग आते हैं, इंडिया से ना आउट ऑफ इंडिया के भी लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ आते क्या देखते हैं, वो हज़ारों लाखों यात्रीगण रोज़ के यहाँ पे पहुँचते हैं, और जैसे बस स्टैंड में पहुँचते हैं तो उनका आधा दिन तो ऐसे मर जाता है। यहाँ पे देखे इतनी उत्सुकता के साथ वो वहाँ से आते हैं कि हम जाएंगे कटरा वैष्णो देवी में, लेकिन बस स्टैंड में पहुँचते हैं उनके हालात इतने बुरे हो जाते हैं। इससे तो बढ़िया रियासी बस स्टैंड है मैं आपको बता दूँ, लेकिन यहाँ पर बस स्टैंड में आप खड्डे देखेंगे मेरे पीछे, इतना बुरे हालात है इस बस स्टैंड के दोस्तों। मैं आपको क्या बताऊँ, ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन तक लिया जाए या फिर श्राइन बोर्ड तक लिया जाए, क्योंकि इतना छोटा बस स्टैंड और इतने बुरे हालात। चलो छोटा है कोई बात नहीं, लो जितना कचरा फेंका जा रहा है ना बस स्टैंड के अंदर, आप पीछे देखेंगे पूरा कचरा बिखेरा जा रहा है एक तरह से, और खड्डे देखेंगे आप किस तरह से, यहाँ पे जगह जगह पे, हर तीसरी जगह पे यहाँ पे खड्डा है, और पूरा बस स्टैंड इतना बुरे हालात है। यात्रीगण आते इस बस स्टैंड को देखते ना, बुरे हालात देख के आधा दिल उनका ऐसे ही यहीं पर छिन भिन हो जाता है कि जहाँ ऐसे हालात है बस स्टैंड के, और ऊपर जाके कैसा होगा वैष्णो देवी। बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होती है, लेकिन देखिए ये देखिए, ये हमारा कटरा बस स्टैंड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बस स्टैंड है। रेलवे स्टेशन को इतना सुंदर बनाया गया है यहाँ कटरा के, लेकिन उस बस स्टैंड के हालात को इतना गंदा क्यों बनाया गया भैया। ज़रूर थोड़ी लोग कटरा रेलवे स्टेशन में आएंगे, उसके बाद बस स्टैंड में भी आएंगे, आते हैं यात्रीगण काफ़ी सारे यहाँ पे बैठे होते हैं, और यात्रीगण ये चीज़ देखते हैं। आप मेरे पीछे देखें कितने यात्रीगण आते जाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या उनके हालात हो रहे हैं दोस्तों। देखिए ये देखिए तस्वीरें, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं हो रहा आपको, थोड़ा आगे तक लेके चलता हूँ मैं। देखिए कितनी सुंदरता, मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, ये हमारा स्वच्छ भारत कटरा, स्वच्छ कटरा दोस्तों, बहुत ही स्वच्छ है हमारा कटरा। यहाँ पे लाखों के हिसाब से रोज़ के यात्रीगण आते हैं और माता रानी के दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कटरा बस स्टैंड के हालात देख के ना रोना आ जाता है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे मैंने बस स्टैंड देखे हैं, लेकिन ये कटरा बस स्टैंड ना पहली बार ऐसा देखा मैंने। क्यों नहीं इस पर ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, क्यों ना इस पर इसको देखा सुना जा रहा है। वैष्णो देवी के दर्शन भी कर लीजिएगा, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों, थोड़ा सा आंखें खोली जाएं एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या फिर श्राइन बोर्ड का काम है, जिसका भी काम है, जल्दी से देखें, सुने, गौर करें, क्योंकि यहाँ पे लाखों के हिसाब से यात्रीगण आते हैं और लाखों के हिसाब से रोज़गार यहाँ से निकलता है, वो चाहे छोटे लोग हों, बड़े लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको यहाँ से रोज़गार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रेनोवेशन नहीं हो पा रही, रिपेयर नहीं हो पा रहा ये बस स्टैंड, और ना ही यहाँ पर साफ सफाई रखी जा रही है। आप मेरे पीछे देखें सफाई तो मैंने आपको दिखाई दी कितनी ज़्यादा। रेलवे स्टेशन जो है कि बहुत अच्छा है मैंने देखा कटरा का, लेकिन बस स्टैंड की बड़े बुरे हालात है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जो लोग देख रहे हैं, जिसको लगता है कि यहाँ पर रेनोवेशन होनी चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, शेयर ज़रूर करें और अपनी राय भी ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।